अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल हैं आप लोग के? मैं बिल्कुल हूँ ठीक ठाक। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मॉल से। मॉल ऑफ मुल्तान आए हुए थे, मैंने जाना था अपने दो दोस्तों के साथ शॉपिंग पे, क्योंकि उन्हें मिले हैं जी सीज़न की शॉपिंग का बजट। तो उन्होंने कहा हसन शॉपिंग पे चलते हैं, मैंने कहा ज़रूर, ऐसे मौके तो मुझे अल्लाह दे घूमने फिरने के। और जब छुट्टियाँ हों तो बंदा वैसे ही ऐसे मौके ढूंढता है कि आउटिंग हो जाए थोड़ी बहुत। तो अभी वो लोग नीचे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, कुछ चीज़ें फाइनलाइज कर ली, और मैं आया हूँ ऊपर फूड कोर्ट। मुझे सबसे पहले पानी पीना था, मैंने पानी पिया है, अब मैं बैठा कर रहा हूँ उनका वेट। मैंने उन्हें मैसेज किया कि आ जाओ यार, तो वो लोग आ जाएँ तो फिर हम कुछ खाएँगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या खाया है। अच्छा, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक नई चीज़ से। अगर आप लोग पहले मॉल ऑफ मुल्तान आए हुए हैं तो इनके फूड कोर्ट में आई है एक नई फूड प्लेस जिसका नाम है यिंग एंड यांग। ये है उनका ब्रोशर और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंप्लीट मेन्यू और आउटलेट की भी सैर कराता हूँ आप लोग को। ये देखें जी, ये है इनका कंप्लीट मेन्यू, बड़ा क्यूट सा, जिसके ऊपर ये पांडा बना हुआ है साइकिल के ऊपर। यिंग एंड यांग चाइनीज़ फास्ट फूड है ये। तो लेट्स हैव अ लुक इसके मेन्यू पे। सी फूड है, फैमिली डील्स हैं और एपिटाइजर्स हैं, सूप है, ये मेन कोर्सेज हैं इस तरह से, साइड्स हैं, ड्रिंक्स हैं। तो ये है इनका कंप्लीट मेन्यू। तो ये मैंने आपको दिखाया इनका चाइनीज़ मेन्यू, बेसिकली चाइनीज़ फूड है यहाँ पे, जिसमें आपके पास चिकन और प्रॉन्स का ऑप्शन है, आपके पास सूप्स हैं और मेन कोर्स में डिफरेंट टाइप की ग्रेवीज हैं जो कि आप लोगों ने देख लिया। इसके अलावा एपिटाइजर्स भी हैं। अब मैं आपको कराता हूँ इनकी आउटलेट की सैर। तो ये हैं सबके ऑर्डर और मेरी ड्यूटी लगी है कि भाई अब मैं लेके दूँ। शॉपिंग कर करके ये लोग थके हैं और ड्यूटी मेरी लगा दी है कि हसन अब तुम खाना ले आओ। तो हमारा आज का पहला ऑर्डर है बर्गर लैब का, जो कि है डायनामाइट बर्गर, और इसकी टोटल प्राइस है 609 रुपीज़। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये पैक हो रहा है इधर, ये इसकी फिर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। मेरे के साथ केचप मिली है, तो यार मॉल शॉल से निकल के खा पी के अब हम लोग आ गए हैं ज़रा बाहर गर्देजी मार्केट की तरफ। मुझे लेनी है एक दो चीज़ें, और टेलर से मैंने कपड़े भी उठाने थे सिले हुए, वो सिल गए हैं, और एक सूट पड़ा हुआ था और देना था, वो भी मैंने दे दिया सिलना। मैंने कहा टाइमली सिल जाएं वरना ईद का बहुत रश शुरू हो जाएगा और रश में बाज़ारों में आना फिर सही नहीं होता। अब ना तो अब सीन ये है कि एक दो छोटी छोटी और चीज़ें लेनी है। एक तो मैं ढूंढ रहा हूँ सॉक्स, क्योंकि शाम को जॉगिंग करनी होती है, तो मैंने सॉक्स नहीं है मेरे पास, मतलब ठीक सर्दियों के कपड़ों में अब वो पता नहीं किधर हैं, और एक दो सॉक्स के पेयर ले लूँ फिर चलते हैं घर। लेकिन घर जाने से पहले पियेंगे लिमका शिमका, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है। इस टाइम भी मैं गाड़ी में AC बना चला के व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन पता नहीं गर्मी क्या करेगी, गर्मी क्या चाहती है मुझे कोई समझ नहीं आ रही। और ये बालों से भी मेरा देखो ऑयल निकल आया गर्मी की वजह से। घर जाके शॉवर लूँगा तो फ्रेश फील करूँगा फिर। तो मैं आ गया हूँ घर, सबसे पहले आके मैंने नहाया हूँ मैं, मतलब मैं मेरा ब्रेन फंक्शन नहीं हो रहा था गर्मी की वजह से। मैंने कहा था कि अब सबसे पहले मैं नहाऊँगा उसके बाद व्लॉग को करूँगा कंटिन्यू। तो नहा धो के चाय पी के अब मैं बैठा हूँ व्लॉग का बाकी हिस्सा रिकॉर्ड करने। और सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरी आज की दिन की रूटीन देखी, अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा हेक्टिक था लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह।
मतलब रूटीन में भी मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ, और फिर मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर करने को कुछ ना हो, बंदा घर बोर बैठा रहे, तो वो मुझे ज़्यादा बोरिंग और तकलीफ दे लगता है। मैं कहता हूँ हैपनिंग्स हों, इधर उधर जाना हो, काम कार हो, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि टाइम जो है अच्छा गुजर जाता है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में आज डिफरेंट तरह के फूड देखे हैं, तो अब रिलैक्स हो के, टेस्ट तो नहीं है उनका एट द मोमेंट, लेकिन मैं फ़ूड रिव्यू करना चाहता था आप लोगों के साथ कि अगर आप लोग मॉल ऑफ मुल्तान के फ़ूड कोर्ट में जाएं तो आप लोग भी इन चीज़ों को लाजमी ट्राई करें। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा OPTP के बर्गर और बर्गर लैब के बर्गर के बीच में। आज हमने दो तरह के बर्गर्स लिए थे, और बर्गर लैब का बर्गर मुझे 9/10 लगा और OPTP का बर्गर मुझे लगा 7/10। बर्गर लैब को मैंने 9 मार्क्स इसलिए दिए कि वो बर्गर इतना फ्रेश था, वो इतना मज़ेदार था, और सॉसेस इतनी बैलेंस थी कि आपका दिल नहीं, तो बर्गर लैब के बर्गर में सॉसेस इतनी बैलेंस थी कि मज़ा आ गया मतलब खा के। और दूसरी बात ये कि चिकन फिले इतना फ्रेश था कि यूजुअली ऐसा बर्गर्स में नहीं होता कि आप बाइट लो, मतलब यार वो बर्गर इतना गर्म था कि ऐसे मुंह जलने वाला हो गया, और जब आप बाइट लेते थे तो चिकन फिले में से धुआं निकलता हुआ नज़र आता था। तो ये हो गया बर्गर्स का रिव्यू, तो डेफिनेटली बर्गर लैब बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद पिज़्ज़ा मेरा ऑल टाइम फेवरेट है पिज़्ज़ा मैक्स से, मैं सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि यहीं मॉल ऑफ मुल्तान में 3 ऑप्शंस हैं, आपके पास पिज़्ज़ा हट है, आपके पास ब्रॉडवे है, लेकिन अब पता नहीं ये सब्जेक्टिवली ओपिनियन है या वाकई इनका पिज़्ज़ा इतना अच्छा है कि अगर पिज़्ज़ा खाने की बात आए तो मैं कोई और ब्रांड सोचता भी नहीं हूँ, मैं चुप करके पिज़्ज़ा मैक्स पे जाता हूँ और जाके जो है ऑर्डर कर देता हूँ। तो पिज़्ज़ा भी 9/10 था। अब लास्ट में बारी आती है आइसक्रीम की, जो कि हमने ब्लॉसम से खाई थी, वो भी मैंने आपको फुटेज दिखाई है, आपको प्रोसेस दिखाया है। हाँ, ये एक मेरे लिए नई चीज़ थी, तो इसका बेसिकली मैंने रिव्यू करना था। इसको मैं देना चाहूँगा 8/10। आइसक्रीम अच्छी थी, फ्लेवर सिलेक्शन अच्छी थी, हमने आलमंड कैरेमल फ्लेवर जो है ऑर्डर किया था, इसमें ऐसे आलमंड के क्रंच होते हैं, उसके बाद वो मिल्क ऐड करते हैं और कैरेमल वाली सॉस ऐड करते हैं, माइल्ड सा सॉस का टेस्ट आ रहा था। ऊपर टॉपिंग हमने कराई थी लॉटस बिस्किट की और जेली डलवाई थी, जेली अच्छी नहीं लगी मुझे क्योंकि वो हार्ड हो गई थी, आइसक्रीम में पड़ी पड़ी वो ऐसे पत्थर पत्थर बन गया था। लेकिन आइसक्रीम बिल्कुल आप ट्राई करो, मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा, प्राइस वाइज भी अच्छी थी, इकोनॉमिकल थी। और दूसरी बात ये कि ये था मेरा आज का फूड रिव्यू, और उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा फूड रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो लाजमी आप लोग ट्राई करो जाके। बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, अब मैं जो है अपनी कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, व्लॉग को एंड करूँगा, एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं या जो रेगुलरली मेरा व्लॉग देखते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस जर्नी में, YouTube की इस जर्नी में जो है मुझे सपोर्ट करें, और आपकी सपोर्ट जो है इट मीन्स अ लॉट। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, मुझे अब दें इजाज़त, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कल मुलाकात होगी दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।